अरे बताइए, सरदार सरोवर का जो पानी आया, ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में बैठे लोग थे जिन्होंने जी जान लगा दी थी कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट चलने ना पाए। चुप, बिल्कुल चुप। आज पानी आया, सबको दिखाई पड़ रहा है कि गुजरात में कितना परिवर्तन आया, इसलिए तो गेम बजाना पड़ेगा। फैलाने में विश्वास, यहीं से शुरू करते हैं। पानी आया और पहले दिन ही नहर बह गई, पहले दिन ही बह गई नहर, पानी आया पहले दिन ही सड़क बैठ गई। हम जो कहते हैं वही करते हैं, इसलिए हम राजनीति में विश्वसनीयता के, प्रामाणिकता के प्रतीक हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और आप जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते, इसलिए आप राजनीति में विश्वसनीयता के संकट के। यही मोदी साहब जो कहते हैं पक्का वही करते हैं। इनका पिछली बार का मैनिफेस्टो 5 साल पुराना, जो जो कहा है सब कुछ कर दिया इन्होंने, कुछ छोड़ा ही नहीं है इसमें से, क्योंकि इसमें कुछ कहा ही नहीं था इन्होंने, इसमें कुछ कहा ही नहीं था इन्होंने। कहा स्कूल खोलेंगे, बंद कर दिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, और वो जो गैस का सिलेंडर बाल्टला जिसको बोलते हैं आप लोग, वो 412 रुपए से पहुंचा दिया 1150 रुपए पे, समझ रहे हो। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, और फिर क्या हुआ, कुलदीप सेंगर के साथ खड़े थे और अहमदाबाद को चाइल्ड रेप में 6 नंबर पर पहुंचा दिया, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। बहुत हुई गरीबी की मार, अब की बार उनकी सरकार, और हंगर इंडेक्स में भी नीचे 6.5 करोड़ रुपए लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए, वो तो नीति आयोग बोल रहा है। गंगा का किनारा भूल गए, शमशान भी नसीब नहीं हुआ। ऑक्सीजन और इंजेक्शन में, वैक्सीन में हिंदुस्तान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, और इनके प्रदेश अध्यक्ष यहां पर वो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन जमाखोरी करते हुए पकड़े गए, क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं ये लोग। तेरे घर में तेरी क्या इज्जत बढ़ेगी, हाँ सोच सोच। 100-100 लोग दारू, कच्ची दारू में मर जाएं और उसके बाद एक व्यक्ति अरेस्ट ना हो, लाखों करोड़ की ड्रग्स एक ही पोर्ट से पकड़ी जाए, वो भी इसलिए कि वहां पर एजेंसीज में आपस में झगड़ा हो जाए, और मोदी जी का ड्रोन भी वहां से हटा लिया जाए, तो जो ये कहते हैं वही करते हैं ये, इसमें सच है, मैं इनकी बात से सहमत। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, गजब बेइज्जती है। उन्होंने कहा राजीव गांधी जी, सॉरी राहुल गांधी जी भी आएंगे और बड़े नेता भी आएंगे। ये बताइए आज की डेट में राहुल गांधी जी क्या है कांग्रेस में, बड़का नेता है, छोटका नेता है, मगर छोटा ही नेता सबसे बड़ा है, यही समस्या है। चाहे बेहतर तो इस सवाल का जवाब आज आडवाणी जी दे सकते हैं कि वो बड़के हैं कि चुटके हैं, और केशु भाई पटेल भी दे सकते थे, शायद वो है नहीं। और अगर ज्यादा कौन बड़का है और कौन छुटका है, तो बापू एक यहाँ पर लीडर हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि वो भाजपा से टूट कर आए और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने तो कौन कौन कब कब टूटा, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन आप कहते हैं गुजरात वाइब्रेंट, समिट के अंदर इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई, मेरे पास आंकड़े 2017 के बाद से लगातार घटे, और 2004 के बाद से 4 साल का जो आंकड़ा है वो पूरा दिखाया ही नहीं गया इनकी वेबसाइट पे। उसका ऐसी ऐसी विचित्र हंगर इंडेक्स है, आप सोचिए भारत अफगानिस्तान के बराबर है हंगर इंडेक्स में, वो श्रीलंका और वो बांग्लादेश जिसको हमने खैरात में अनाज दिया वो हमसे ऊपर है। इसी कारण से वो चांदनी लगा के जब विदेशी मेहमान आते हैं तो अहमदाबाद में भी गरीबी को ढकने का काम बीजेपी की मोदी सरकार करती है। ठीक, पिछले एक साल में चाइना से इंपोर्ट 47% बढ़ा है, 47%। कहां है वो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैटअप इंडिया, लेटअप इंडिया, इकोनॉमी रेंग अप इंडिया हो रही है, बावजूद आप कह रहे हैं बहुत विकास हो रहा है। भाई वो विकास हो कहां रहा है, कहां दिख रहा है? 80 करोड़ लोगों को आपको भोजन देना पड़ रहा है, ये विकास है? कंट्रोल, कंट्रोल। आप सुनिए, सब प्रेस वाले यहां बैठे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, चाइना हमसे 30 पायदान ऊपर है, 30 पायदान चाइना ऊपर है। मूल मुद्दों पर आइए, मैं पूछता हूं, पिछले 5 साल में 5 SIT बनी, यहां एक लट्ठा कांड हुआ, सैकड़ों लोग कच्ची शराब पीकर मर गए, ये मोदी जी का मॉडल है, अमित शाह जी का मॉडल है, किसका मॉडल है, और वो जांच कहां तक पहुंची? आप SIT बनाकर उन अभियुक्तों को बचाने का काम कर रहे हैं, और मोदी जी का वो जो मुन्ना भाई MBBS वाला हॉस्पिटल था मोरबी वाला, वो पूरे देश ने देखा गुजरात मॉडल कैसे फेल हुआ, चद्दर बदलो, तकिया बदलो, अब बोतल बदलो और कूलर बदलो, वो पूरी योजना जो थी मोदी जी की वो पूरे देश ने देखी। मैंने पूछा SIT किसने बनाई, नहीं बता पाएंगे, एक हॉस्पिटल का नाम नहीं बता पाएंगे। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हमने तो 62,000 करोड़ का कर्जा किसानों का माफ किया, लेकिन आप लोगों ने कहा कि MSP जो है वो C2 के मेथड से मिलनी चाहिए। 700 पेज का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया, 700 पेज का एफिडेविट, और उसके कारण गिनाए गए। आपने क्या क्या कर दिया उस पर भी बात कीजिए ना। आप केवल 2 राजघरानों को पूरे के पूरे वेयर हाउस देना चाहते थे और 700 किसान शहीद हो गए। 3 काले कानूनों पर आपका क्या स्टैंड है? क्या गुजरात में उन 3 काले कानूनों को लागू करेंगे? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि वो हाँ यात्रा कहां पहुंच गई, वो क्यों नहीं आए, वो खड़गे जी क्यों नहीं आए। अरे भाई आज आपकी 27 साल से सरकार है, उसके बावजूद विकास हो रहा है। इसलिए मीडिया पर भी सवाल उठते हैं कि सरकार पर जो मूल सवाल उठने चाहिए समय रहते वो सवाल नहीं उठते। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बन जाए सब, मैंने नहीं कहा, लेकिन भाजपा के भी नहीं बनना चाहिए, मैंने नहीं कहा, लेकिन भाजपा के भी नहीं बनना चाहिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you. Are we right now? Picture, चालू करो बे. Cut.